बहुत शुक्रिया। शहादत की एक अलग कहानी बता दी, अगर आप ट्रेलर भी देखें तो क्या आपसे जानना चाहूँगा क्या एक्सपेक्टेशन है, और ये ऐसा इतिहास है जो बहुत से लोगों को पता नहीं, सिखों के बीच में जंग हुई और शहादत, क्या कहना चाहेंगे? सर बहुत अच्छी बात आपने शुरू कर दी है, हमें बात को बढ़ा के यहाँ तक लेके जाना था, आपने वहीं से पकड़ लिया, क्योंकि हमारे घरों में बहुत सी किताबें ऐसी हैं जो सालों से खुली नहीं, कभी उन पे धूल पड़ गई, वो ख़राब हो गई, लेकिन कभी खोला नहीं गया। खोल के देखा जाता तो उसमें बहुत कुछ ऐसा पड़ा है जो हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। वो इतिहास पंजाब से हो, मराठवाड़ा से हो, राजपूताना से हो, कहीं से भी हो, वो द्राविड़ इतिहास हो, लेकिन है वो देश का इतिहास। इस देश के इतिहास को आज तक सामने लाना शायद कभी किसी ने ज़रूरी नहीं समझा, लेकिन आज वक्त आ गया कि सिनेमा से अच्छा मीडियम कोई नहीं अपनी बात कहने का। तो पंजाबी इंडस्ट्री अभी 20 साल पहले हमने शुरू की थी, मनमोहन जी ने पहली पिक्चर बनाई थी जी आया नू, उसके बाद हमने सोचा नहीं था कि एक सदी का सफ़र, एक सेंचुरी का सफ़र हम 20 साल में पूरा कर लेंगे। आज आप हमारे सारे मीडिया वाले दोस्त हमारे साथ ये पिक्चर देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि आज कोई भी इंडस्ट्री कल पैदा होके आज यहाँ तक कैसे पहुँच सकती है, ये अपने आप में एक हैरानी की बात है। सिख इतिहास के वो पन्ने जिनको कभी बताया नहीं गया, ये नहीं कि इंटेंशनली बताया नहीं गया, कोई मीडियम ही नहीं था। और जैसे इस पिक्चर में बात की गई है, तरसेम जी हमारी पिक्चर के हीरो भी हैं और प्रोड्यूसर भी हैं हमारी पिक्चर के। सबसे बड़ी बात, इस पिक्चर में तीन गाने हैं, एक तो सुल्तान बाहू साहब का कलाम है, उसके अलावा जो दो गाने हैं वो इन्होंने खुद लिखे हैं, ही इज़ ए ग्रेट लिरिसिस्ट ऑल्सो। तो ये आपको बताएंगे 12 बजे का इतिहास। अक्सर आपने ये बात सुनी, सरदार जी 12 बज गए, तो इसको टीज करने के हिसाब से कहा जाता है, जब भी कहा जाता है, लेकिन जब 12 बजे का आप इतिहास सुनोगे तो आपको फ़ख्र होगा कि यार ऐसे 12 बजते थे। तो वो चीज़ें इसमें इंक्लूड की गई हैं। जब ये बात उस समय की है जब नादिर शाह 1739 में इन्वेड करता है इंडिया में, मोहम्मद शाह रंगीला की हुकूमत है दिल्ली में, एक दिन में 90 करोड़, उस ज़माने में 90 करोड़ की संपत्ति लूट के 20-25 हज़ार से ज़्यादा बेटियों को बंदी बना के गजनी के बाज़ार में बेचने के लिए साथ लेके जा रहा है। तो लाहौर जब क्रॉस कर रहा है तो जंगलों में रहने वाले गुरीला स्टाइल में रहने वाले कुछ बचे, चंद बचे सिख जो अपने इस मैस्केर से, कत्लेआम से जो बच गए थे, वैसे तो ये अनाउंस कर दिया गया था कि इनको ख़त्म कर दिया गया है, फिर भी जो बचे थे जकरिया खान के जुल्म से, वो उसको वापस अटैक करते हैं नादर शाह पे। और संपत्ति उनका उद्देश्य नहीं था, बच्चियां जो हमारी थी जिनको वो बंदी बना के गजनी के बाज़ार में बेचना चाहता था, उनको कैसे वो छुड़वाते थे, ये उसकी तर्जमानी करती कहानी है कि वहाँ के लोगों पे इन सब चीज़ों का कैसे असर था। और जैसे मैंने बताया कि तरसेम जी ने अपनी पिछली 4-5-10 पिक्चरों में जितना कमाया होगा वो शायद इसी पिक्चर पे लगा दिया, क्योंकि जज्बा है एक कि कुछ दिखाना है लोगों को। उसके अलावा अगर हम बात करें तो ये शरण भाई, आप इनको अभी देख लीजिए, पिक्चर के पहले भी और पिक्चर के बाद भी देखेंगे, ये पिक्चर के राइटर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, और सीधा साधारण जीवन जीने वाले लोग भी अंदर से कितने भरे पड़े होते हैं टैलेंट के साथ। सिमी चहल जी हमारी पिक्चर की हीरोइन है, इनका जितना भी पोर्शन है वो बाकमाल है। बनी जी, बनिंदर बनी, जो 5 लोग आप पोस्टर में देख रहे हैं, मिडल में ये खड़े हैं, इनके लेफ्ट में मैं खड़ा हूँ शायद, मैं लेफ्ट में खड़ा हूँ, राइट में करमजीत अनमोल हैं, ये बाहर शूटिंग पे हैं, ये आए नहीं हैं, ये बनिंदर जी हमारे साथ खड़े हैं और वो शूटिंग पे हैं, हनी मट्टू जी वो भी नहीं आ पाए। तो ये 5 लोग हैं जो सारी दास्तान कहेंगे इस पिक्चर में आपको, शरण जी राइटर डायरेक्टर, उनके बाद जिनको देख के हमने भी स्कूल छोड़ दिए थे कि हमें भी एक्टर ही बनना है, अवतार गिल साहब हमारी इंडस्ट्री के सबसे पुराने, क्योंकि हमने नुक्कड़ ने हमारा दिमाग ख़राब किया था कि हमने भी एक्टर बनना है, नहीं सर खुशी की बात नहीं, आपने बर्बाद किया हमें। तो सर आपका इस पिक्चर में होना हमारे लिए एक तरह का आशीर्वाद है। राहुल देव साहब ने बहुत अच्छा इसमें नादिर शाह का करेक्टर राहुल देव साहब ने किया है, और
इनके भाई भी हैं और प्रोड्यूसर भी हैं हमारी पिक्चर के, पाजी मनप्रीत सिंह जौहल साहब। ये इन लोगों का एक बहुत बड़ा एफर्ट है, उद्यम है। सानी साहब हमारे बहुत बड़े डिस्ट्रीब्यूटर हैं पंजाब के, हिंदी पंजाबी इंग्लिश सारी पिक्चरें ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हमारे DOP साहब भी यहाँ खड़े थे, मैं चाहता हूँ कि वो ज़रूर एक बार चेहरा दिखाएं। वो भी बहुत साधारण दिखने वाले मासूम से JP साहब अगर हैं तो आप आ जाइए। ये सर ये कितने सर सादे लोग हैं, लेकिन ये इनका काम असर अभी आप देखेंगे हमारे साथ तो आपको बहुत मज़ा आएगा। मैं आज ब्लेस्ड फील कर रहा हूँ कि आपने, क्योंकि आप हमारे वो संदेश वाहक हैं, आप जो संदेश चाहें वो दुनिया को दे सकते हैं। आप सारा मीडिया मुंबई का हमें आज कवर करने आए हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। और ये आपका जो सहयोग है पंजाबी सिनेमा हमेशा याद रखेगा। वी आर सो ब्लेस्ड टू हैव यू गाइस हियर और वी आर एक्चुअली सो थैंकफुल टू यू ऑल। और मैं अब चाहूँगा जी कि अभी, क्योंकि थोड़ी देर में मैं सोच रहा था बात करते करते शायद कपिल भाई भी आ जाएं, कपिल शर्मा, वो अभी ही कैन रीच एनी टाइम। तो राज बब्बर साहब, नादिरा बब्बर जी, वो भी किसी टाइम भी पहुंच सकते हैं। तो तब तक हम आपके जो सवाल हैं वो ले लेते हैं, अगर कोई है सवाल तो। जी मैम जी, एक मैडम का एक सवाल ले लें। हाँ जी हाँ, फिर तसेम जी के बाद सिमी जी बोलने वाले हैं, फिर वो। हाँ जी बता जी। सबसे पहले तो आप सबका धन्यवाद, नमस्ते, सत श्री अकाल। इट वॉज़ लाइक ए ड्रीम टू अस मस्ताने। ये जो मूवी है ये सिर्फ एक मूवी नहीं थी हमारे लिए, ये एक ड्रीम था जो हमने 3-4 साल पहले लिया। इसका सबसे ज़्यादा जो क्रेडिट मैं देना चाहूँगा वो शरण ही है, शरण हमारे डायरेक्टर राइटर। लाइक माइंड लोग अक्सर मिल जाते हैं और उनसे एक अटैचमेंट होती है, एक बॉन्ड बनता है, वो शरण के साथ हुआ 2017 में। 2017 में फर्स्ट टाइम ये स्टोरी पहली बार डिस्कस हुई और आज, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आज हम यहाँ पर खड़े हैं। ये एक ड्रीम से कम नहीं है हमारे लिए। और मस्ताने जब स्टार्ट की थी उसी वक्त ये सोचा था कि ये हिंदी में और मल्टी लैंग्वेज में लेकर जाएंगे, अगर उस भगवान ने चाहा तो। ये ऐसा नहीं है कि मूवी बन गई, पंजाबी में ठीक हो गया, देन हिंदी में सोचा, पहले ही था ये विज़न। शरण का था, मेरा भाई मनप्रीत, सानी साहब, सारी टीम का था। और आज मैं शॉर्ट ऑफ वर्ड्स हूँ बेसिकली। यहाँ पर आज तक 7-8 पिक्चरें की पंजाबी की, कभी ये फील नहीं आया कि मैं आज फर्स्ट टाइम स्कूल जा रहा हूँ, आज ऐसा लगा। वो इसी की वजह से है शायद, जितने साल इस प्रोजेक्ट को दिए, जितना काम इसमें किया। मैं गाड़ी में मेरे भाई बनी को बता रहा था कि ऐसा कभी नहीं लगा, जितनी अब तक की ज़िंदगी का जितना तजुर्बा या जितना किसी इम्तिहान से पहले कोई प्रेशर रहा होगा, जितनी एक्साइटमेंट रही होगी, वो इस मूवी में सारी एक साथ। जितना वजन उसका है वो आज उतना वजन एक लगा, उतनी एक्साइटमेंट लगी, फील हुई। सो वी आर ब्लेस्ड दैट भगवान ने हमें मस्ताने मूवी दी, जो हम सब रल मिलकर इसे कंप्लीट कर सके, इसे बना सके, और हम सब इसका पार्ट हैं। ये हमारे जी जैसे अभी कहा कि बाजी ने कि जितना आपने अब तक कमाया सब, क्योंकि जुनून से फिल्में बनती है, पैसा मैं समझता एक अलग जी। क्या आपको लगता है कि एक इम्पॉर्टेंट मैसेज दे रही है फिल्म, वो इतिहास जो ऐसा जानबूझ के तो नहीं पढ़ाया गया, हमारी नीयत नहीं है लोगों तक पहुँचाने की जी, ऐसा इतिहास जो बहुत से इंडियंस को नहीं पता होगा, सिखों की जगह। हाँ, क्या आपको लगता है कि इस फिल्म को टैक्स फ्री होना चाहिए? बिल्कुल। सबसे पहले मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करता हूँ, जो आपका पहली बात है कि हिस्ट्री है, बहुत को नहीं पता, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। इसी वजह से हमने ये सोचा, ये हिस्ट्री ऐसी नहीं है कि पंजाब के बाहर किसी को नहीं पता, ये पंजाब में भी बहुत लोगों को नहीं पता।
हिस्ट्री वैनिश हो रही है डे बाई डे, हमारे शूरवीर वैनिश हो रहे हैं डे बाई डे, वो बुक्स में किताबें पढ़ने का आज समय नहीं है किसी के पास। सो ये बनाने का एक मकसद ये था कि वो शूरवीर जो डे बाई डे वैनिश हो रहे हैं, हम उन्हें भूल रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ हैं, वो किसी एक खित्ते के लिए, एक कम्युनिटी के लिए, किसी एक पर्टिकुलर इंसान के लिए और बंदे के लिए नहीं थी, वो सभी के लिए थी, वो सबके अपने थे। जैसे ये बात आपने बोली भी वो हिस्ट्री नहीं पता बहुत को, अवेयरनेस नहीं है समटाइम। जैसे इस मूवी में दिखाया गया है 12 बजे का एक इतिहास है, 12 बजे का मतलब ये जोक हम सब ने देखा है पिछले बहुत सालों में, वो जोक स्प्रेड हुआ चला, बहुत लोग ऐसे हैं जिन्हें उसकी हिस्ट्री नहीं पता, सिर्फ अवेयरनेस की कमी के कारण वो बोलते हैं, ऐसे नहीं है कोई इंटेंशनली नहीं बैड फील करवाना चाहते, जस्ट एक जोक है। उनके लिए ये एक अवेयरनेस का काम करेगी ये मूवी कि 12 बजे बेसिकली क्या था, ये कैसे ये कॉन्टेक्स्ट चेंज हो गया, 12 बजे की हिस्ट्री क्या थी। जब नादर शाह ने हिंदुस्तान पर अटैक किया 1739 में, जब उसने अटैक किया, नादर शाह के बाद अब्दाली भी करता रहा, सेम चीज़ थी। दैट टाइम सिख जंगलों में रहते थे, जंगलों में रहते थे, किसी भी हुक्मरान को वो अच्छे नहीं लगते थे, जो उस टाइम के शासक थे वो जुल्म करते थे आम जनता के ऊपर। और उस टाइम सिख रात को 12 बजे के बाद जो भी समा होता था, उस टाइम नादर शाह के ऊपर उन्होंने हमला किया, और हमला करके वो जो बेटियां थी हिंदुस्तान की बेटियां थी, उनकी बहनें थी, उन्हें छुड़वाया। उस टाइम की कहानी है, तब 12 बजते थे सिखों के। अब कपिल बाजी को प्लीज रिसीव करते हैं बाजी। सो उस टाइम की ये कहानी है, 12 सरदारों के 12 कब बजते थे, क्या होता था, वही अवेयरनेस है। बिकॉज पगड़ी को सभी बहुत प्यार करते हैं, सब लोग सरदारों को बहुत प्यार करते हैं। समटाइम कुछ वाक़यात ऐसे होते हैं, कोई चीज़ें ऐसी होती हैं जो अवेयरनेस की, लैक ऑफ अवेयरनेस हो जाती हैं, और यही इस मूवी की खासियत है। हमें लगता है कि ये ऐसा कॉन्सेप्ट था जो सारे हिंदुस्तान का कॉन्सेप्ट है, हर भाषा का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जो शूरवीर होते हैं वो सभी के होते हैं। अगर कोई मराठा शूरवीर की फिल्म आती है तो हम ऐसे चौड़े होकर बैठ जाते हैं, यार क्या बात है, कैसे शूरवीर थे, कैसे योद्धा थे, उन्होंने क्या किया, अपने लिए नहीं किया, अपने लोगों के लिए किया। ऐसे ही है, ये शूरवीर ऐसे हैं जो सिर्फ पंजाब के या सिर्फ सिखों के नहीं हैं, ये शूरवीर ऐसे हैं जो सारे हिंदुस्तान के हैं, हर उस इंसान के हैं, चाहे वो अंग्रेज़ है चाहे कोई भी है, हर उस आदमी को एक शूरवीर योद्धा की मूवी देखकर वो फील आता है। जब मैंने 300 देखी थी तो ऐसे नहीं था मैं कोई स्पार्टन हूँ, लेकिन मुझे अच्छा लगा, यार कैसे आदमी थे, कैसे लड़े, क्या किया। सो प्लीज़ जी बिल्कुल सर, और सबसे पहले मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ मस्ताने की पूरी टीम को, बहुत ही खूबसूरत फिल्म बनाई है। और जैसे आपने कहा कि टैक्स फ्री होनी चाहिए, नहीं मुझे लगता है कि हर तरफ से सपोर्ट मिलना चाहिए, चाहे हम कलाकार मिलके इस चीज़ को सपोर्ट करें, सिनेमा कहीं पे भी हो। और दूसरी बात यह है कि अगर मैं अपनी बात करूं पर्सनली, मुझे ये लगता है कि हमने हिस्ट्री जितनी भी पढ़ी है, जितनी स्कूल में या कॉलेज में, लेकिन जब ये माध्यम ऐसा है, अगर आप बच्चों को अगर ऐसी फिल्में अगर दिखा पाएँ, अगर आप, जो कि होना भी चाहिए, जैसे चार साहिबजादे आई थी, तो हमारे बच्चे जो स्पेशली बहुत सारी पंजाबी फैमिलीज़ हैं जो मुंबई में रहती हैं, बच्चों ने शायद पहली बार जाके देखा, उनको छोटे साहिबजादों की शहादत के बारे में पता चला, यू नो। तो मुझे लगता है कि ऐसी फिल्में, इनको तो बहुत ही सपोर्ट मिलना चाहिए, और बिल्कुल टैक्स फ्री भी होनी चाहिए, और बड़ी खूबसूरत फिल्म है, और हम सब भी इसीलिए आए हैं ताकि इस फिल्म को और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग सब सपोर्ट कर सकें, और बाकी आप लोगों के हाथ में है। सर,
बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। ये ऐसे है कि एक छोटा भाई खड़ा बोल रहा हो यार अभी बताता हूँ बड़ा भाई आएगा, ये ऐसा है अभी बताता हूँ बड़ा भाई आएगा, ये ऐसा है। कुकी पाजी वो ये हमारे मेंटर हैं, हमारे बड़े भाई हैं, कपिल पाजी हमारे बड़े भाई हैं, ये जहाँ पर आए यही हमारे लिए एक एक ये देख लीजिए अभी हम ये हमारी कामयाबी है, हम जैसे लोग इनके साथ खड़े हैं। बिल्कुल सर, क्योंकि यहीं से तो हमने सीखा है, ये मेरे बड़े भाई भी हैं, मेरे उस्ताद भी हैं, गुरु हैं, और हमेशा ही मैं एक्चुअली बाहर था, दो महीने बाद आज ही आया हूँ वापस, और मतलब जेट लैग में हूँ अभी, समझ नहीं आ रहा कुछ, तो मैं जैसे ही पाजी का फ़ोन आया मैं कहा पाजी मैं आ रहा हूँ, मैं थोड़ा लेट हो गया और उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, और बस आप इस फिल्म को इसके बारे में आप देखें भी और इसके बारे में अच्छा अच्छा लिखें और लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि अच्छा सिनेमा जो है ये लोगों तक पहुँचे। हमारा इनके साथ एग्रीमेंट हो गया, बोले जो अच्छी पिक्चर बनाओगे मैं प्रमोट करूंगा। ऐसे ही है कि आज हिस्टोरिकल डे है, चांद वो चंद्रयान चांद पे पहुंचा है और मस्ताने लेके हम सब आपके पास आ गए और आज चंद्रयान चांद पे पहुंचा और आज पंजाबी सिनेमा को चार चांद लगने जा रहा है। अभी एक एक आध मिनट और लगेगा, मुझे लगता है राज बब्बर साहब भी आ रहे हैं तो उनसे भी एक बार बात हो जाएगी, क्योंकि उनका भी पंजाबी सिनेमा के साथ रिश्ता भी रहा है और इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन भी रहा है। तो एक ऐड आती थी ना जो हम लोग बचपन में टीवी पे बहुत देखते थे कि बस नाम ही काफ़ी है, तो राज बब्बर साहब नाम ही काफ़ी है, तो सत श्रीकाल भाजी, तो बस वो फॉर द क्वेश्चन। It is a pleasure being part of this film. I have a really small part to play, but I think that's more than enough. And it doesn't talk about a woman or a man. It's about warriors basically. So, Sikh warriors. मैं अब राजी से दरख्वास्त करूंगा जी कि हिंदी सिनेमा के साथ साथ इन्होंने एक बहुत बड़ी बात है कि पंजाबी हिंदी सिनेमा का सबसे पहला रिलेशन भी इन्होंने बनाया था, जैसे वारिस जैसी पिक्चर है हिंदी में है लेकिन पंजाबी बैकड्रॉप पे, आपको लगता है पंजाबी पिक्चर आप हिंदी में देख रहे हो, तो ये इन्होंने बहुत एक नेड़ता बनाई थी दोनों हमारे जो सिनेमा है पंजाबी का और हिंदी का, तो ये हमारी पंजाब की शान है, तो मैं चाहूँगा कि राज साहब हमें दुआ दें उसके बाद हम पिक्चर देखते हैं। थैंक यू गुरप्रीत जी, एक्चुअली मुझे कहते हुए फ़ख्र हो रहा है कि मेरे ज़िंदगी का सिनेमा की जो मेरी जर्नी है, सिनेमा की यात्रा जो है वो पंजाबी फिल्म से शुरू हुई है। लोग कहते हैं कि रीजनल फिल्मों से क्या बहुत समय लगता है, लेकिन मेरी पहली फिल्म जिसकी मैंने शूटिंग की वो चंद परदेसी थी, तो मेरे लिए ये कोई पंजाबी या हिंदी नहीं बल्कि मेरी माँ बोली की फिल्म है, और मुझे इसका टाइटल मस्ताने, मेरे ख़्याल से पंजाबी में अगर किसी फिल्म का नाम मस्ताने रख दो तो पूरी उसका जो करेक्टराइजेशन है, जो पंजाबियत है, वो इस मस्ताने में नज़र आती है, क्योंकि ये मस्ताने वो मस्ताने हैं जिन्होंने गुरुओं के नाम पर, कौम के नाम पर, जिन्होंने इस मुल्क के नाम पर अपनी गर्दनों को न्यौछावर किया है। तो ऐसे मस्तानों की कहानी जब सामने आए, इन्होंने कभी धर्म नहीं देखा, मज़हब नहीं देखा, इन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि ये किस धर्म का आदमी है, यही एक ऐसा एक इतिहास है, एक ऐसा धर्म है हमारा, या मैं कहूँगा कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा इतिहास अगर कोई है तो पंजाब के उस तरफ का है जहाँ खैबर, और खैबर में जिस तरह से खैबर से लोग आते थे और हमारे देश से कोने कोने से लड़कियाँ उठा कर ले जाते थे, और उसमें ना हिंदू या मुसलमान सिख या ईसाई की बात नहीं थी, वो इस ज़मीन की हमारी बच्चियाँ थीं। हमारे उस ज़माने में अगर किसी ने इसकी लड़ाई लड़ी और उनको वापस लेके आया
तो ये कहा जाता था अगर एक सिख होगा तो कोई भी लड़की इस ज़मीन से बाहर नहीं जा सकती, इस धरती से बाहर नहीं जा सकती। तो ये उन मस्तानों की कहानी है और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरे दोस्त इस फिल्म के अंदर जो बहुत अहम भूमिका में भी हैं और हर तरह से, और भाई इन साथियों के बारे में क्या कहूँ। और यहाँ आप जो देख रहे हैं ये जो एक ऐसी शख्सियत है कि जहाँ पंजाब और पंजाबियत आएगी तो कपिल शर्मा कहीं दूर नज़र नहीं आएगा। एंड गॉड ब्लेस यू एंड वी ऑल आर फीलिंग प्राउड टू वॉच दिस फिल्म। और अब जो आएंगे अंदर तो उसके बाद में एहसास आपको भी होगा कि वाकई ये मस्ताने हैं, जहाँ भी जाते हैं अपना रंग बिखेरते हैं। आइए इस रंग को देखने का भी जरूर करें। थैंक यू सो मच जी। और लास्ट में एक बात बता दूँ, शायद मैं गया था कपिल भाई को लेने, तरसेम जी ने बता दी होगी, ये पहली पंजाबी पिक्चर है जो 5 लैंग्वेजेस में रिलीज़ हो रही है। मुझे इस बात की भी खुशी है कि पंजाबी पिक्चर आप मराठी में देख रहे हैं कितना मज़ा आएगा, आप तेलुगू में देख रहे हैं, तमिल में देख रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी, हिंदी में देख रहे हैं। तो ये एक जो घनिष्ठता जो बनती जा रही है, जो पूरे देश का सिनेमा एक होता जा रहा है, ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है। बहुत शुक्रिया आप सबका। और आइए पिक्चर देखते हैं जी। हाँ एक बार देखिए, पहली बात तो ये है कि ऐसी फिल्म पंजाबी में बनी नहीं। दूसरी बात यह है कि ये 5 लैंग्वेज में रिलीज़ हो रही है, जो कभी नहीं हुई। तीसरी बात यह है कि ये जो सब्जेक्ट है 1739 का, जिसमें क्लैश दिखाया सिखों का और मुग़लों का, इसके ऊपर कभी फिल्म नहीं बनी। और मुझे याद है जब हम डायरेक्टर के साथ आखिरी पिक्चर कर रहे थे आज से 5 साल पहले, तब मुझे उन्होंने रोल सुनाया था इस पिक्चर में। और फिर हर साल हम इस पिक्चर को शुरू करने की बात करते थे और पता लगता था कि किसी वजह से ये नहीं होती थी, क्योंकि इसमें बजट बहुत बड़ा था, सेट्स लगाने थे, पीरियड था, कॉस्ट्यूम था। फाइनली करते करते 5 साल की मेहनत के बाद ये पिक्चर शुरू हो गई और आप सबके प्यार से, दुआओं से ये पिक्चर कंप्लीट हो गई। तो मैं चाहूँगा कि इसको हर आदमी देखे ताकि उनको हमारा इतिहास, सिखों का इतिहास पता लगे और उनकी जो बहादुरी थी या उनके सेक्रीफाइसेस थे या उन्होंने क्या क्या किया उसके बारे में लोगों को पता लगे। और जहाँ तक मेरे कैरेक्टर का ताल्लुक है, मैं जकरिया खान प्ले कर